Hey guys, what's up and welcome back to Go Guzzle Gone, and thank you for showering immense love on all the prep up videos which you guys are liking a lot. So I thought why not to show you the preparations of the event as well. You can see all the decor which has happened on my terrace. Although I'm not getting married from the home, we will be shifting to the hotel very soon, but of course shaadi ka ghar hai to shaadi ka lagna to chahiye na. इसलिए आप देख सकते हो पीछे केटरर्स वगैरह सब बैठे हैं. तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बिकॉज हम पूरे टाइम आपको दिखाएंगे कि प्रिपरेशंस में क्या क्या लग रहा है एंड लॉकडाउन में क्या डिफ़िकल्टीज आती है फॉर गेटिंग मैरिड. बट मेरी ज़्यादा कोई विशेस नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट एवरीबडी टू बी हेल्दी एंड फाइन एंड गेट थ्रू द इवेंट. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स प्ले द ट्रेलर. लॉकडाउन के वेडिंग की अपनी ही स्ट्रगल होती है. लाइक अभी जैसे मिठाई के शॉप्स नहीं खुले हैं, सो वी हैव द केटरर, वो काफ़ी रिलायबल हैं एंड दे हैव मेड ऑल दीज मिठाईज एंड ऑल द स्नैक्स विच यू कैन सी, बिकॉज लोग आने शुरू हो जाएंगे आज से ही. एंड मेरे सारे नानी के साइड के लोग आ चुके हैं, मेरी कज़न आ चुकी है एंड या वी आर बिट एक्साइटेड. और पता है मुझे हमेशा से यही था कि मेरी शादी में जो मिठाइयाँ बने वो सब बने, मैं थोड़ी ट्रेडिशनल हूँ तो वो सब घर पर बने, हम उसको काटें. तो ये जो बर्फियाँ हैं इसको हमने काटी है, लड्डू को हमने उसको राउंड शेप दिया है, बटर डिशेस लगाई हैं. आई एम जस्ट लविंग ऑल द प्रोसेस गाइस. लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स, अभी सलोन वगैरह तो सारे स्टिल क्लोज्ड हैं. सो दैट्स व्हाई मम्मी की एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज़ अ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन, तो हम लोग उनके घर पर जा रहे हैं बिकॉज शी इज़ इन द नेबरहुड एंड इट्स मच सेफर टू गो देयर. सो श्रेया इज़ एस्कॉर्टिंग मी. मैंने कुछ भी नहीं कराया अभी तक, कुछ भी सलोन का काम नहीं कराया. सो फाइनली टुडे आई हैव चोजन अ डे टू गो, सो शी इज़ एस्कॉर्टिंग मी. और अच्छा बाय द वे ये भी कुछ रिकॉर्ड करी है विच यू गाइज विल गेट टू नो लेटर, बट हाँ वाई ऑफ माई व्लॉग्स आई थिंक यू विल गेट टू नो सूनर. सो या आई एम जस्ट गोइंग देयर एंड विल गेट ऑल द पैम्परिंग सेशन डन. एंड ये लोग मेरे को फोर्स कर रहे हैं कि फटाफट से तुम आके चेंज करो, बिकॉज मुझे को इतनी गर्मी हो रही है कि चेंज कर ले. दे वॉन्ट मी टू वेयर समथिंग ट्रेडिशनल. आई सी व्हाट आई हैव एंड देन आई डेफिनेटली विल. तो फाइनली मेरा पैम्परिंग सेशन इज़ ऑल डन एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई हाउस. मुझे ऐसा लग रहा है शायद मेरे घर पे गेस्ट आ चुके हैं, नाना नानी वगैरह, क्योंकि मेरा फ़ोन साइलेंट पे था, मैंने काफ़ी सारे मिस कॉल्स देखे हैं, तो उसकी भी क्लास लगेगी. एंड फाइनली दे आर फोर्सिंग मी टू चेंज, तो मैं आपको चेंज करके मिलती हूँ घर पे. और मेरे घर पे सब लोग आ चुके हैं, गाड़ी आ गई है, सब लोग यहाँ पे हैं. मामा नमस्ते. हाँ हम सलोन गए थे, सब लोग आ गए हैं. सीन ये हुआ है कि ये लड्डू जो है इतने ज़्यादा टेंडर बन गए थे कि पूरे बिखर गए हैं. सो आई एम गोइंग टू गिव इट बैक टू द केटरर्स कि इसको फिर से बांधना है, फिर से बटर डिश लगानी पड़ेगी. तो इट्स लाइक स्पिट एंड लिक वाला सीन हो गया है, बट कोई नहीं, हो जाएगा. सो भैया ये सुनिए, ये लड्डू ना देखो घूम गया, ये बहुत नरम हो गए थे तो ये बिखर रहे, इसको बांधना पड़ेगा एक बारी. बनवा लोगे आप लोग? शादी के लॉकडाउन का एक और साइड इफेक्ट ये है कि इस दुपट्टे को मैं यूज़ करने वाली हूँ एज अ ट्रेल, बट ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है तो इट लुक्स लाइक थोड़ा सा मच्छरदानी. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू श्रेया, माय मैनेजर, लेस, ये लेस लगेगा इसके सारे एजेस पे सो दैट इट लुक्स लिटिल प्रेजेंटेबल. दिस इज़ द बेस्ट आउटफिट वी कैन कम अप विद इन दिस कोरोना काल. सो या दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट, हाउ वी आर गोइंग टू फिक्स इट एंड हाउ इट्स गोइंग टू बी डन. बाहर इतनी ज़्यादा बकैती हो रही गाइज, आई कुड नॉट वेयर ट्रेडिशनल, आई एम सो सॉरी. बहुत गर्म हो रहा था मुझे, बट मैं आपको दिखाती हूँ बाहर क्या बकैती चल रही है. वेट, ऐसा पता चला है कि जब मैं व्हाइल आई वाज इन सलोन तो पीछे से कुछ मंडप की रस्म हुई है जो ईशा ने करी है. ईशा इज माय कजिन. ईशा बताओ कहाँ पे क्या किया तुमने? बेसिकली मंडप यहाँ पे लगा. ओके वेट 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 आओ. हाँ अच्छा, ये काफी अच्छे से हुआ है. हाँ बेसिकली मेन रस्म जो है
फूफा जी और जो और लोग थे मिल करके उन्होंने करी है, ये मंडप लगाया गया है जो शादी के टाइम पे जाएगा। हाँ। और ये कलश है। हाँ। बेसिकली हमें और नहीं कुछ करना था, कलश में पानी डाल करके हाँ। ये आम का पल्लो लगा करके हाँ। चावल का वो क्या अक्षत दिया अच्छा 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 हाँ पुराने जमाने की हीरोइन की तरह तैयार हुई है। आई डोंट नो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स आई सीन यू इन प्रॉपर ट्रेडिशनल और मैंने बहुत कोशिश किया ट्रेडिशनल पहनने की लेकिन गर्मी की वजह से आई कुड नॉट, इट्स टू हॉट हियर। चावल का क्या किया है? चावल के अच्छा ये भरा है इसको दिए में अच्छा तो इसका पर्पस क्या है मम्मी जो आज तुम मोरनी बन के घूम रही हो जरा दिखा दो सूट एक बारी ओफो ओए हाय बताओ मम्मी क्या इसका पर्पस क्या होता है मंडप का? ये मेरी मामी है मंडप यही उठ के हाँ जाएगा वहाँ पे पहले तो घर से शादी होती थी हाँ तो जहाँ ये स्थापित होता तो वहीं पे मंडप बन जाता था हाँ हाँ तो वहीं पे शादी हो जाती थी। अच्छा क्योंकि अब जो है होटल से होता है तो इसलिए जो है अब ये यहाँ हो गया यहाँ से उठ के सीधे होटल में तो मतलब फेरे में लगता है फेरे में मंडप में रखा जाएगा। अच्छा 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 एक्साइटेड और इकट्ठे हो गए हैं कि अभी सब लोग ऊपर जा रहे हैं वो जो हमारा मैंने पिंक वाला टेंट दिखाया था वो सब लोग एक्नॉलेज करने जा रहे हैं कि कैसा लग रहा है एंड प्रीटी एक्साइटेड इट लुक्स लाइक। पता नहीं था बट शायद दोपहर के खाने का अरेंजमेंट यही हुआ है तो हम सब लोग अभी यहीं पे खाना खाएंगे आई थिंक प्रॉपर वी आर जस्ट गोइंग टू सर्व आवरसेल्व्स। मेरे पीछे मेरे सरप्राइज की कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं एंड दे आर थिंकिंग दैट आई डोंट नो बाय द वे दिस इज माय कजिन एज वेल ही इज टू टॉल बट ही इज How many years younger to me? 4 8 damn years and look at this guy. Kya surprise kar rahe ho tum log? Monica. I know. हमारा खाना वाना हो गया है मैडम जी यहाँ पे आराम फरमा रही हैं लेकिन इनको अल्टीमेटम दिया गया है कि वी आर जस्ट गोइंग टू डांस नाउ तो होने वाली हमारी डांस रिहर्सल। Regrets that I'm doing my wedding in this lockdown. I am thoroughly enjoying it, like literally. मेरा शायद आई थिंक मेरे फ्रेंड्स ने कुछ पार्सल भिजवाया मेरे लिए गिफ्ट भिजवाई है नितिका की तरफ से है जी मैं ले लेती हूँ श्योर जी घर पे बाहर लाइटें लग रही है ऑल दो द वेडिंग इज नॉट फ्रॉम हियर बट शादी का घर शादी जैसा लगना चाहिए दैट इज़ वाई सर इज पुटिंग ऑल द लाइट्स अप देयर। इतने धूप में सब लोग काम कर रहे हैं But I am so grateful to them. So मेरी friend नितिका ने मेरे लिए parcel भिजवाया है and I just received it. I'm just going to sanitize it first. हाँ sanitize कर दूँ पहले एक मिनट इस वजह से कर देती हूँ अब काफ़ी टाइम हो गया इसको बाहर रख के सैनिटाइज करके आई एम गोइंग टू टेक इट एंड लेट्स सी व्हाट नितिका हैज सेंट मी एज अ वेडिंग गिफ्ट। अब तुम्हारा नितिका तुम्हारा गिफ्ट मामा खोल रहे हैं फाइनली लेट्स सी व्हाट इज देयर। हां खोलो अरे आपको अरे कोई भी खोलो जल्दी खोलो अरे हम आओ ये डबल पैक है नितिका थैंक यू सो मच यार पैकिंग ही तुमने इतनी तगड़ी करी हुई है मामा को जंग लड़नी पड़ी है खोलने के लिए पूरा फाड़ दीजिए क्या ही करना है ओ माय गॉड अनदर पैक अगेन इनसाइड नितिका आई होप देयर इज समथिंग नितिका इट्स सो ब्यूटीफुल थैंक यू सो मच बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है और मैंने एक चीज एक्नॉलेज करी तो मैं लेटी हूँ मेरे पीछे नानी लेटी है और नानी के बगल में मम्मी तीन जनरेशन हम ऐसे लेटे हुए हैं और हमने अचानक से रियलाइज किया तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊं तीनों जन आराम से चित्त पड़े हुए हैं कहाँ ढूंढ रही हो तुम हम लोग सब लोग चाय पी रहे हैं अभी तो फाइनली अचानक से श्रेया अच्छा मिल गया तुम्हें फिर वही वाला तुम निकाली हो तो ये वही है
तो हम लोग स्नैक्स के साथ वी गोइंग टू टेक सम And also, I want to thank each one of y'all who has sent me small token of gifts because Nitika, Ajay, everybody, you all have helped me. Sandy, Vikrant, Pratsi, Lohita, Shruti, Nayan, you all have been incredible. And Ali, I don't want to forget any name because I love you all and I so wish that you guys were here. But you know what? We will catch up soon and I promise you that. It's just that I'm not able to call you because of the restrictions and all this, but I owe you all a treat and a party. Hey, go away. You're not allowed here till tomorrow. This is my bachelorette. Guys, they're planning a surprise bachelorette for me, you know? Surprise bachelorette. इन दोनों लड़कियों ने मेरे को कुछ नहीं बताया ही क्या करने वाले हैं बट यहाँ पे ये पूरी लाइटिंग्स एक्सेट्रा सारी करवा रहे हैं क्या प्लान कर रही हो दे वेरी इरिटेटेड फ्रॉम मी सो आई एम जस्ट गोना गो डाउन नाउ फॉर टूडेज ब्लॉग हमने इतना ज़्यादा डांस किया है ढोलक बजाया है कि इतने ज़्यादा टायर्ड हैं एंड आई थिंक आफ्टर डिनर वी आर जस्ट गोना गो स्लीप एंड इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो आई होप यू एंजॉयड द प्रिपरेशन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू गो गज़ा गॉन स्टे ट्यून्ड चाओ अस्ता ला विस्ता